हेलो एवरीवन, मैं हूं सावन और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। कश्मीर पर आज मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अटकलें तो पहले से थी, लेकिन जिसका सपना हर हिंदुस्तानी को था वो आज पूरा हुआ। जी हां, कश्मीर हमारा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जैसे ही कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आर्टिकल 370 को किसी भी खंड में लागू नहीं माना जाएगा, राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। लेकिन देश भर में खुशी का माहौल शुरू हुआ और कई शहरों में ढोल नगाड़े बजने लगे। साथ ही लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया है और दोनों ही यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यानी कि इन पर सीधा सीधा केंद्र सरकार का दखल होगा। राज्यसभा में लगातार हंगामा जारी है। अमित शाह जब कश्मीर पर बोल रहे थे तो संसद में कश्मीर बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे लगातार लग रहे। राज्यसभा में हंगामे के दौरान अमित शाह ने कहा कि हमने ये वोट बैंक के लिए नहीं देश के लिए किया है। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि देश के लिए ये लोकतंत्र का काला दिन है। 1947 में दो राष्ट्र सिद्धांत को खारिज करने और भारत के साथ संरक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर नेतृत्व के निर्णय को पीछे छोड़ दिया गया है। यह निर्णय 370 रद्द करने का जो एक तरफा है और गैर कानूनी है तथा असंवैधानिक है, जो भारत को जम्मू कश्मीर में एक व्यवसायिक शक्ति बना देगा। आखिर क्या है आर्टिकल 370 और 35A? हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय आर्टिकल 35A से तय होते हैं। इसके तहत 14 मई 1954 से पहले जो कश्मीर में बस गए थे वही केवल वहाँ के स्थायी नागरिक होंगे। स्थायी निवासियों को राज्य में जमीन खरीदने, सरकारी रोजगार हासिल करने और सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए ही अधिकार मिलेंगे। साथ ही किसी दूसरे राज्य का निवासी अगर जम्मू कश्मीर में जाकर बसना चाहता है या स्थायी तौर पर रहना चाहता है, ये जमीन खरीदना चाहता है या फिर सरकारी नौकरी करना चाहता है, तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य में शादी करती है तो उसके अधिकार जम्मू कश्मीर से छिन जाते हैं। हालांकि ये नियम पुरुषों के मामले में अलग है। आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 पर विवाद क्यों है, ये बताते हैं हम आपको। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, साथ ही उनका ध्वज भी अलग होता है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्र ध्वज या राष्ट्र प्रतीकों का अपमान करना भी अपराध नहीं होता। देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू कश्मीर के लिए मान्य नहीं होते। संसद जम्मू कश्मीर को लेकर सीमित क्षेत्र का ही कानून बना सकती है। रक्षा, विदेशी मामले, संचार को छोड़कर केंद्र के कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते। केंद्र का कानून लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की परमिशन जरूरी होती है। जम्मू कश्मीर में 1976 का शहरी भूमि कानून लागू नहीं होता। धारा 370 की वजह से कश्मीर में राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि RTI और RTE भी लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष होता है, जबकि बाकी देश के बाकी राज्यों में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 370 से जुड़ी लगातार अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सिंस इंडिपेंडेंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को टैप करें ताकि हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।